हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली एप्पल ने जो है मैक ओएस मोनोरेल 12.3.1 अपडेट जो है रिलीज कर दिया। और इस अपडेट के अंदर क्या बग फिक्स किया और क्या नया ऐड किया है, तो हर एक चीज इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। और इसका साइज देख सकते हैं 1.34 GB जो इसका साइज है। और इसका मॉडेम फर्मवेयर वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड से पहले जो मॉडेम फर्मवेयर देख सकते हैं 21E230 जो मॉडेम फर्मवेयर है डाउनलोड से पहले, और डाउनलोड के बाद वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो डाउनलोड के बाद जो मॉडेम फर्मवेयर देख सकते हैं 21E258 जो इसका मॉडेम फर्मवेयर है, क्या इसके अंदर हमारे को नया देखने मिलता है और क्या बग फिक्स किया, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो है यूनिवर्सल कंट्रोल जो है iOS 15.4 के अंदर बहुत ही अमेजिंग बना है, जो इजी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा मेजर बग था जो कभी कनेक्ट हो रहा था कभी नहीं। तो अभी जो एक बार चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इसके अंदर प्रॉपरली कनेक्ट होके काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं जो है अभी प्रॉपरली कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्ट किया। तो मैं जो है कुछ एक फाइल को ड्रॉप एंड ड्रैग करके देखता हूँ क्या ये प्रॉपरली काम कर रहे क्या नहीं कर रहे। जैसे इस फाइल को मैंने साइड पे रख दिया, तो अभी देख सकते हैं मैं आईपैड की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो हाँ प्रॉपरली आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल कंट्रोल जो है प्रॉपरली जो है इस अपडेट के अंदर काम कर रहे हैं। जब आईपैड से ला रहा हूँ तो प्रॉपरली आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो है कुछ दिक्कत आना नहीं चाहिए। जहां तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो ये प्रॉपरली चल रहा है। और इसको मैंने अपडेट किया था कल रात के लगभग जो है 1:30 बजे, उसके बाद से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझसे कुछ तो बैटरी का इशू नहीं है, क्योंकि कल रात को जो है लगभग मैं इसको बैटरी चार्ज किया था लगभग 75% या 78% मैंने लास्ट चार्ज किया था। उसके बाद यूज किया, काम किया, अभी भी जो है 68% है। तो चार्जिंग के मामले में कह सकता हूँ जो बहुत ही अच्छा है। तो बैटरी बैकअप मुझे जो है बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इसके अंदर जो हीटिंग इशू या इसके अंदर जो बैटरी ड्रेन नहीं आ रहा है इस अपडेट के अंदर प्रॉपरली, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आया था पिछले अपडेट के अंदर जो सर अपडेट करने के बाद बैटरी ड्रेन बहुत ही जल्दी आ गया और बहुत ही ज्यादा हीट हो रहे है इसके अंदर। कल रात को मैं जब चार्ज किया था देख सकते 77% और अभी जो है 68%। और इसको मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, लेकिन पूरा दिन यूज नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है यूज किया जो वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो इसके अंदर मुझे इतना कुछ लैक और इसके अंदर कुछ हैंग और बैटरी परफॉर्मेंस जो है मुझे थोड़ा सा बेटर मिला पहले से। पहले जो है थोड़ा बैटरी कंज्यूम मतलब जल्दी हो रहा था, अभी मुझे लगता है इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और अगर आपने iOS 15.4.1 अपडेट किया है तो इसके अंदर देख सकते हैं जो अमेजिंग फीचर्स था एप्पल ने ऑलरेडी दे दिया है। iOS 15.4.1 के अंदर आपको नया कुछ नहीं मिलता है जो बग फिक्सेस, क्योंकि अभी जो iOS 16 आने वाला है और मैक के लिए जो आने वाला है मैक ओएस 13, तो इसके अंदर अमेजिंग फीचर्स आने वाला है। अभी कुछ बचा नहीं जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब स्टेबल वर्सन एप्पल अपडेट रिलीज करता है उससे पहले जो बेटा वर्सन लाता है, लेकिन इस अपडेट से पहले जो बेटा नहीं आया डायरेक्टली जो स्टेबल वर्जन आ गया, मतलब जो है जो भी फीचर्स था एप्पल ने पूरा का पूरा दे दिया। अभी जो है फाइनल वर्जन जो WWDC के अंदर लॉन्च करने वाला है, चाहे मैक हो, आईपैड हो, आईफोन हो, एप्पल वॉच हो, तो इसके लिए जो है नया सॉफ्टवेयर आने वाला है। तो अमेजिंग एक नया सॉफ्टवेयर के साथ नया फीचर्स आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या बग फिक्स किया वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस अपडेट के अंदर जो बग फिक्स किया है, सबसे पहला जो है जिन लोगों के पास 2021 वाला जो मैकबुक प्रो है उसके अंदर जो USB टाइप सी पोर्ट 100 पोर्ट है एक्सटर्नल जो डिस्प्ले, उसको जब यूज कर रहा था उसके अंदर जो है नॉट टर्न ऑफ का मतलब जो है डिस्कनेक्ट का ऑप्शन, और इसको यूज करने में काफी दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से इस अपडेट के अंदर एप्पल ने इसे फिक्स किया है। दूसरा जो है जिन लोगों के पास मैक मिनी है 2018 मॉडल, तो उसके अंदर जो सेकंड डिस्प्ले यूज कर रहा था तो उसके अंदर भी काफी दिक्कत हो रहा था और डिस्कनेक्ट हो रहा था। और इसके अंदर जो लोग ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करके गेम कंट्रोलर को डिसकनेक्ट कर रहा था तो इसके अंदर बार बार जो है डिसकनेक्ट हो रहा था, तो इसके अंदर भी फिक्स किया है। तो जरूर इसके अंदर भी जाके आप अपडेट करके चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों के डिवाइस के अंदर था तो इस अपडेट के बाद आपको सॉल्व देखने मिलेगा। जैसे एयरपोर्ट कनेक्ट करके आपने डिवाइस के अंदर यूज कर रहे थे, तो यूज करते करते जो है कनेक्टेड जो है प्रॉपरली नहीं हो रहा था, कभी कभी जो इसके अंदर एरर आ रहा था और डिसकनेक्ट भी हो रहा था, तो इसे भी जो इस अपडेट के अंदर एप्पल ने सॉल्व किया है। अगर इस तरह का कुछ आप लोगों को डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम था, यूनिवर्सल कंट्रोल हो, चाहे मैकबुक प्रो 2021 का मॉडल मैक मिनी, तो जरूर इसको जाके अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और बैटरी ड्रेन का इशू इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं कंटिन्यू इसको यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको अपडेट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1-2 दिन तक वेट कर लीजिए, एक अच्छा फॉलो वीडियो बनाएंगे क्या इसके अंदर प्रॉब्लम दिक्कत है,
तो ज़रूर उसके बाद भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंड है इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था उसको मैं फेस कर रहा था, जो बैटरी बैक इसके अंदर थोड़ा सा कम मुझे मिल रहा था, तो बैटरी बैकअप जो है प्रॉपरली अभी आ रहा है, और इसके अंदर हीटिंग का इशू वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40 के ऊपर है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर हीटिंग का इशू आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो ज़रूर जाके अपडेट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और बेल के आइकन कॉल पर रखिए, जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों को ऐसा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, गुड बाय।